मैंने सचिन पाजी को कभी अपने करियर में डिसअपॉइंट होता हुआ नहीं देखा, लेकिन उस दिन वो नाखुश थी। ये कहना है जी आकाश चोपड़ा का यूट्यूब चैनल टू स्लॉगर्स को दिए हुए एक इंटरव्यू में, और वो बात कर रहे थे 2004 के उस मुल्तान टेस्ट मैच की, जिसमें इंडिया ने हिस्ट्री तो बनाई थी लेकिन उस टेस्ट मैच को साथ ही एक गलत रीजन की वजह से भी याद रखा जाता। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, मुल्तान के अंदर सुल्तान बन गए थे वीरेंद्र सहवाग, 309 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन साथ ही सीन ऑफ तब हो गया जब सचिन सर जो है खेल रहे थे 194 पर, और तभी राहुल द्रविड़ ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। जनरली इन सिनेरियोज में आप इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करते, आप इस बात का इंतजार करते हैं कि बॉस जो बैट्समैन माइलस्टोन के करीब जा रहा है वो माइलस्टोन अचीव कर ले, और सचिन सर उस वक्त तक 17-18 साल की क्रिकेट खेल चुके थे, यानी कि टीम के बहुत ही सीनियर फिगर थे, तो उनके माइलस्टोन को रोकना बड़ा ही ऐसा डिसीजन था जो कि कोई आसानी से तो लेता नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने लिया। तो फिर भैया लेफ्ट राइट एंड सेंटर शेलिंग उन पर हुई और टीम मैनेजमेंट को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। खैर उस समय टीम मैनेजमेंट की इच्छा ये थी कि यार पाकिस्तान को एम्पल टाइम दिया जाए आउट करने के लिए, हमें मतलब हमें एम्पल टाइम मिलना चाहिए उनके बैट्समैन को आउट करने के लिए, ताकि हमारे बॉलर्स जो है फटीग ना हो, थके नहीं। और अभी पाकिस्तान की फील्डिंग यूनिट, उन्होंने बहुत लंबी फील्डिंग की है, ऑलमोस्ट 2 दिन वो तब तक फील्डिंग कर चुके थे, तो वो थके हुए होंगे और अभी हम उनको आराम से 2-3 विकेट चिप इन कर सकते हैं। अब यह सोचकर वो डिसीजन तो ले लिया गया, उसका बैकलैश आया, सचिन सर भी काफी डिसअपॉइंटेड थे, और जैसा कि आकाश चोपड़ा ने, मैंने स्टार्टिंग में उनका स्टेटमेंट कोट किया अभी ही दिए हुए एक इंटरव्यू में, कि यार तब वो खुश नहीं थे। लेकिन एक्चुअली उस मोमेंट में जितना क्रिटिसिज्म मिलता है कैप्टन राहुल द्रविड़ को, उतना शायद जस्टिफाई नहीं है। उसकी 2 वजहें हैं और उसी वजह से हमने लिखा है कि भैया कोच साहब बिना मतलब की गालियां सुनते हैं, क्योंकि देखिए 2 चीजें थी। पहली, वो डिसीजन सिर्फ राहुल द्रविड़ का नहीं था, ये खुद आकाश चोपड़ा ने भी बोला कि सौरव गांगुली भी उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, और सौरव गांगुली ही फर्स्ट चॉइस कैप्टन थे, वो तो वो इंजर्ड थे, उस वजह से उस मैच में राहुल द्रविड़ कैप्टनसी कर रहे थे। तो यह डिसीजन दादा का था और साथ में पूरे कोचिंग स्टाफ का था कि हम एम्पल टाइम दें, क्योंकि उससे पहले एक मैच के अंदर सिडनी में सेम सिचुएशन में इंडिया ने तीसरे दिन सुबह डिक्लेयर किया था, जिस वजह से कंगारू अब मैच आसानी से ड्रॉ करवा गए थे। इस बार इंडिया ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए पाकिस्तान को खेलने के लिए लाया गया, लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान वो तो खैर चौथे ही दिन आउट हो गई और मैच खत्म हो गया फटाफट, इंडिया 4 दिन में वो मैच जीत। तो इससे क्रिटिसिज्म और बढ़ गया कि भैया 4 दिन में तो गेम खत्म हो गया, आप चांस दे ही देते, सचिन सर का इतना रिमार्केबल वो था, आपने ये कर दिया वो कर दिया। तब न्यूज़ ये भी आई कि कुछ टीम में के अंदर आपस में चीजें सी ठीक नहीं है, इसलिए सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो सारी बातें बाद में हवा के अंदर मिल गई। लेकिन एक दूसरी वजह और थी, और वो वजह शायद राहुल द्रविड़ के बिल्कुल फेवर में जाती है और सचिन सर के फैंस को शायद थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी, और वो रीजन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने भी डिस्कस किया होगा किसी भी फोरम पर। देखिए जब डिक्लेयर होता है ना, तो उससे पहले कह दिया जाता है बैट्समैन को कि यार ये हमारी सोच है, जैसा कि हमने अभी मार्च में भी देखा था, जब इंडिया इंग्लैंड खेल रही थी, सरफराज और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, तब ऑलरेडी बता दिया गया था कि इतने ओवर देंगे, आप तेज खेलो, और सरफराज ने फिर तेजी से शॉट लगाए थे, जायसवाल ने भी बखूबी एंडरसन को 1 ही ओवर में 3 छक्के मारे थे, वो चीजें हो रही थी। तो फिर उसी को देखते हुए तब भी उन्हें मौका दे दिया गया था, युवराज सिंह और सचिन पाजी दोनों को एक कह दिया गया था कि यार आप लोगों को तेज खेलना है, लेकिन युवराज ने तो तेज खेला, वो 47 के अंदर 47 रन्स पे पहुंच चुके थे, लेकिन सचिन सर वो तब तक 46 बॉल में 47 पे पहुंच चुके थे, लेकिन सचिन सर ने पिछले 3 ओवर के अंदर बनाए थे सिर्फ 5 रन, पिछले 5 ओवर के अंदर बनाए थे सिर्फ 12 रन, यानी कि इस रेट से देखते हुए सचिन सर को ऑलमोस्ट 2 से 3 ओवर और लगते, और 3 ओवर में अगर एक भी विकेट गिरती तो पाकिस्तान को फेस करने के लिए सिर्फ 3 या 4 ओवर मिलते, जो कि वो आसानी से फेस कर लेते, और फिर गेम तीसरे दिन ही चला जाता बिना पाकिस्तान को कोई भी विकेट गिरे। इसीलिए उस टाइम पे डिसीजन जस्टिफाई था कि आप 194 पे ही डिक्लेयर कर दें, और सचिन सर क्योंकि 2 ओवर और लेंगे तो वो 2 ओवर उन्हें ना दिए जाए और उन्हें वापस बुला लिया जाए, इसी ये सोचते हुए ही टीम मैनेजमेंट ने वो डिसीजन लिया था, जो कि बाद में क्योंकि
क्योंकि इंडिया जीत गई तो सही भी साबित हुआ, और टीम वो डिसीजन ऐसा था कि इंडिया जीत गई तो भी सही साबित हुआ टीम के प्रोस्पेक्टिव से, और इंडिया हार जाती तो भी वो डिसीजन, माफ कीजिएगा हारना तो खैर था ही नहीं, मैच ड्रॉ भी हो जाता तो भी वो डिसीजन सही ही साबित होना था, उस डिसीजन में कुछ अकड़म तिकड़म होने नहीं वाले थे। खैर सचिन सर को भी यार देखो, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि लोग देखते हैं, उन्होंने कहा है कि वो डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद वो खुद भी रियलाइज कर गए होंगे इस चीज़ को कि यार क्रिकेट इज़ अ टीम स्पोर्ट और आपको इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और वही वो चीज़ थी जो कि अभी टीम इंडिया को डिफाइन करने लगी थी, और यह चीज़ मेरे हिसाब से बेस्ट है और यही चीज़ आगे भी होनी चाहिए। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स को हमेशा पीछे रख के टीम की जीत को आगे रखना चाहिए। तो भैया ये थी वो कहानी, और इस पर अभी क्योंकि आकाश चोपड़ा ने स्टेटमेंट दिया कि सचिन सर काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, तो हमें लगा कि यार इसकी बात करनी चाहिए और इसके पीछे का जो सच है वो आप लोगों को बताना चाहिए। तो भैया होप करते हैं कि आपको इस टाइप की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज अब तक हम सिर्फ करंट वीडियो बना रहे हैं, हमने पास्ट में से कुछ निकाल के आपके लिए लेके आए हैं। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।